नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को समझेंगे। यह वीडियो भाग दूसरा है। अगर अभी तक आपने भाग पहला नहीं देखा है जिसमें मैंने संख्या पद्धति के परिचय के बारे में बताया, संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती है, कितने प्रकार की होती है, उनमें क्या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग उत्तर पाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। और दूसरी बात, क्या हम लोग इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/81, 81, 0/99, ये सारे क्या हैं? ये सब क्या है? 0 एक शून्य परिमेय संख्या है और हम लोग इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो शर्त और दिया गया है, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 0 एक पूर्णांक नहीं है? दोस्तों 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। और यहाँ पे क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? यहाँ पे q का जितना मान है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है और हम लोग इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। 3 और 4 के बीच, दोस्तों सबसे पहले 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको 3/1 को ऊपर नीचे 8 से क्या करें, 8 से इंटू कर दे, 3×8 और 1×8 कर दे, तो यहाँ पे क्या 24/8 होगा। उसी तरह 4 को हम लोग 8 से और 1 को हम लोग 8 से इंटू कर दे, तो 8×4=32 और 8×1=8। तो ये इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अगर हम 1×1 है इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं तो ये दोनों भी कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो 1। इसी तरह मतलब अगर ऊपर नीचे अगर हम लोग किसी भी नंबर को सेम नंबर से वही संख्या होना चाहिए जिसे ऊपर इंटू कर रहे हैं जिसे नीचे कर रहे हैं करते हैं, तो उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इन दोनों के बीच हम लोग आराम से 6 परिमेय संख्या पता कर सकते हैं। तो अतः 24/8 और 32/8, 24 के बाद क्या होता है 25, तो 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि ये सभी 3 और 4 के बीच के परिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। तो सबसे पहले वही जिस तरह हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाए उसी तरह, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3/5 को ऊपर नीचे 6 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 6×3=18 और 6×5=30। उसी तरह 4/5 को ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे तो 6×6=24 और 5×6=30। अब हम लोग इसके और इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और
23/30, ये सभी 3/5 और 4/5 के बीच के परिमेय संख्या है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों ये सत्य होगा, कैसे आइए समझते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले सभी संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होने वाले सभी संख्या अनंत तक अगर जाएगा तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। अप्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक। आप यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4 क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आता है, हाँ, तो यह प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो यह सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, कैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या समझ गए हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएगा, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, 1, 1, 2, 3, 4 तो होता है, साथ ही 0 और -2, -3, -4 ये सब भी होता है, मतलब ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम पूर्णांक को, सभी पूर्णांक इतना तो हो सकता है पर इतना नहीं हो सकता, इसलिए कुछ पूर्णांक होते हैं और कुछ पूर्णांक नहीं होते, लेकिन यहाँ बात किसका हो रहा है, प्रत्येक सभी, तो यह असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी असत्य होगा। ठीक, कैसे आइए समझते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारा क्या है, पूर्ण संख्या है अनंत तक। 1, 2, 3 ये सब भी तो परिमेय संख्या है, परिमेय का मतलब क्या होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 1/1, 2/1, 3/1 ये भी तो क्या हुआ, परिमेय, और इसको हम लोग अगर एक नहीं लिखेंगे तो 1, 2, 3 ये भी तो पूर्ण संख्या हो, लेकिन अगर 2/4 की बात हो, -1/4 की बात हो, -3/4 की बात हो, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह असत्य है। दोस्तों यह अध्याय का एक प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है, यह भाग दूसरा था। अब कल भाग 3 आएगा जिसमें मैं प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करूंगा और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर अभी तक आपने भाग फर्स्ट नहीं देखा है, भाग पहला वीडियो नहीं देखा है, तो जाके देख लो, तभी यह चैप्टर, यही तभी यह अध्याय आपका पूरा समझ में आएगा और आपको आसानी होगी। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।